हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 201 पर। क्वेश्चन नंबर 201 और उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस विटामिन डिफिशिएंसी से रिलेटेड हैं। पिछले भी दो प्रश्न आपका विटामिन डिफिशिएंसी से रिलेटेड थे, क्वेश्चन नंबर 199 और 200 में था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, आपको बताया था रतौंधी, और 200 में था कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बेरीबेरी। अब आता है नंबर विटामिन सी का। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ये चीज बहुत आसान सवाल है, स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल आता है कि विटामिन सी के बाद विटामिन डी, 202 नंबर सवाल है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जनरली उसका साइंटिफिक नेम आपका रैकेट्स है, तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला है। सूर्य का प्रकाश सबसे बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का। आगे आते हैं 203 नंबर सवाल, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन ए की कमी से नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी होती है। तो डियर स्टूडेंट, विटामिन ए से होता है क्या, मसल्स वीक हो जाती हैं, और ये मुख्यतः आपका विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, जनरली रक्त का थक्का जो है यानी ब्लड क्लॉटिंग, ये देरी से होती है, ये विटामिन कमी विटामिन के की कमी से होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी कहां पर किस फल में पाया जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स आंवला सबसे बड़ा सूत्र है विटामिन सी का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और आपको बताया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, रासायनिक नाम केमिकल नेम है कैल्सिफोरॉल, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से मैंने बताया स्कर्वी रोग। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है यह नेफ्थकोक्विनोन, तो ये आपका नेफ्थकोक्विनोन, ये विटामिन के का रासायनिक नाम आंसर होगा डी। दसवां सवाल आते हैं, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमीन। अगले सवाल में बढ़ते हैं, तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवाल कि तमाम तत्वों में कौन से हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। डियर स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 212 पर, चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है कैफीन। 213 पर आते हैं, चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो चाय में अम्ल होता है टैनिक एसिड, टैनिक अम्ल होता है, या टैनिक लिखा हुआ है, ये टैनिक इसको कंसीडर करिएगा, टैनिक एसिड पाया जाता है चाय में। तो चाय में पदार्थ होता है कैफीन और जो एसिड होता है दैट इज टैनिक। अगला सवाल है 214वां, जो गैसी शीतल पेय बोतलें होती है उनमें कौन सी गैस होती है। जितने भी आप बेवरेजेस लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, इनमें होती कार्बन डाइऑक्साइड। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरुआत की गई, ये हुई है सन 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको शुरू किया हुआ था हेल्थ मिशन प्रोग्राम को, चाहे वो रूरल हेल्थ मिशन हो चाहे वो अर्बन हेल्थ मिशन हो। 216 नंबर सवाल है, पोलियो का वायरस किस माध्यम से शरीर में पहुंचता है। जब भोजन और पानी दूषित ग्रहित किया जाता है तो पोलियो का वायरस पहुंचता है। अगला सवाल आता है 217वां, यूरेनियम खानों में किस रोग के होने की संभावना होती है। जो लोग यूरेनियम खानों में काम करते हैं वहां पर कैंसर होने की संभावना रहती है, रेडिएशन ज्यादा होता है आसपास के एरियाज में, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सीमेंट के कारखानों में काम करने वाली व्यक्ति को कौन से रोग होने की संभावना होती है, तो उसको होती ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। 219वां सवाल है, रक्त के थक्के से रुधिर वाहिनी में जो रुकावट आती है उसको हम आपका टेक्निकली किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका थ्रोम्बोसिस के नाम से इसको जाना जाता है, थ्रोम्बोसिस। ये जब ब्लड क्लॉटिंग आपका रुकती है ब्लड वेसल्स में, उसको हम थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। 220वां सवाल है, वायु प्रदूषण से किस रोग के होने की संभावना रहेगी, तो ये दमा के होने की संभावना रहती है, दमा से व्यक्ति को सांस लग रहा लेने में आपका समस्या आती है। 221वां सवाल है, पानी में अगर फ्लोराइड बढ़ जाता है तो कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग होता है फ्लोराइड की अधिकता से। 222वां सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह, जिसको आप ब्लड शुगर भी कहते हो, ये होता है। अगला सवाल, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गॉइटर है या घेंगा रोग भी आप इसको कहते हो। अगला सवाल, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह भारत में मनाया जाता है हर साल अक्टूबर माह में, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। सामान्यतः व्यक्ति को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती, तो आपको न्यूनतम 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत में जो
प्रति व्यक्ति आय या जो जीवन रेखा का निर्धारण किया गया है गरीबी रेखा का, उसमें भी कैलोरी को पैरामीटर माना गया। तो भारत में एक ऐसा व्यक्ति जो कि रोजाना अपनी 2250 कैलोरी की जरूरतों को पूरा कर सकता है वो गरीबी रेखा के ऊपर है। तो शहरी क्षेत्रों में चूंकि लोगों को कम काम करना पड़ता है, पैरामीटर है 2100 कैलोरी पर डे का, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम ज्यादा होता है, पैमाना है 2400 कैलोरी, और 2100 और 2400 का डी स्टूडेंट्स अगर आप एवरेज निकालोगे तो आता है 2250। लेकिन नॉर्मली मिनिमम कितनी कैलोरी चाहिए आपको? 300 कैलोरी। एक ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? तो एक ग्राम प्रोटीन में ऑलमोस्ट 4 कैलोरी के आसपास होता है, तो यहां पर जवाब आपका होगा 4.1 कैलोरी। प्रोटीन के बाद बात आती है वसा यानी फैट की। एक ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? तो ये अप्रोक्सीमेट 9 के आसपास होती है, यहां पर जवाब हो जाएगा 9.3 कैलोरी। अगले सवाल पर आते हैं, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? तो वही 4 के आसपास होती है, तो जवाब हो जाएगा 4.1। तो डियर स्टूडेंट देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट या एक ग्राम प्रोटीन दोनों में लगभग 4 कैलोरी के आसपास मिलता है, जबकि एक ग्राम जो फैट होता है उसमें कैलोरी 9 कैलोरी के आसपास मिलती है। इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है इसको डबल खा सकते हैं, किससे? फैट के कॉम्पिटेटिवली। तो आप वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को 2 गुना ले सकते हैं। अगला आता है, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये सवाल है 229वां। ये वर्मी कंपोस्ट कीड़ों के द्वारा तैयार किया जाता है, कीड़ों के द्वारा ये जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया है, सामान्यतः केचुओं के द्वारा होता है। अब कुछ सवाल आते हैं जो इंपॉर्टेंट डेज अलग अलग डेट्स पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो यहां पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला सवाल है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, अर्थ डे भी कहते हैं। विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मई को। धूम्रपान व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है हर साल 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून को। आपको सबको ये पता होगा, लेकिन अगर सवाल पूछा जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस या विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, तो जवाब दीजिएगा 28। आगे आते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं यहां पर 11 जुलाई को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा नागासाकी जापान के जो शहर जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में परमाणु बम गिराया गया, एकमात्र ऐसा दुर्घटना या एकमात्र ऐसा इंसिडेंट जिसमें मानव ने परमाणु बम का उपयोग किया हुआ, लाखों लोग मारे गए, और ये दुर्घटनाएं ये घटनाएं हुई 6 अगस्त और 9 अगस्त को। हिरोशिमा पर बम गिराया गया 6 अगस्त को, जबकि नागासाकी पर गिराया गया है 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1945 नागासाकी दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? आप सबको पता है डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग हर साल भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हम लोग 9 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट होता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल ये 10 दिसंबर को, अभी कुछ दिन पहले निकला विश्व मानवाधिकार दिवस, हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं ह्यूमन राइट डे। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल मनाया जाता है 14 दिसंबर को। भारत में वन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? अक्टूबर मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। पर्यावरणीय माह भारत में कब से कब तक होता है? ये शुरू होता है भारत में नवंबर से दिसंबर तक, 19 नवंबर से शुरू होता है और दिसंबर में 18 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो ये डी स्टूडेंट्स कुछ थे आपके इंपॉर्टेंट डेज, इनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित हुआ है या कहां पर खोला गया? ये था उत्तराखंड का जिम कार्बेट, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और जो कि फेमस है किसके लिए? टाइगर्स के लिए। काजीरंगा कहां पर है? असम में है। ऑलरेडी आपको ये सबसे पहले वीडियो में आपको
इस लेक्चर का सबसे पहला जो पार्ट था उसमें आपको इन सब की लिस्टिंग बताई जा चुकी है। गिरी के बारे में पूछा जा रहा है, गिरी है गुजरात में, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बायो रिजर्व पार्क है वो कहां पर खोला गया था, ये अमेरिका में जगह येलोस्टोन, येलोस्टोन प्रांत है वहां पर खोला गया था। मानस वन्य अभयारण्य कहां पर है, असम में है। अगला सवाल आता है, दक्षिण भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों का सबसे बड़ा आवास स्थल है, तो कर्नाटक में जगह है बांदीपुर, ये हाथियों का सबसे बड़ा आवास स्थल है। देश में सबसे ज्यादा वन्य अभयारण्य कहां पर किस जगह पर है, तो अंडमान और निकोबार में है। भिंडी में क्या क्या पाया जाता है, भिंडी यानी लेडी फिंगर, इसमें फॉस्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी तीनों पाए जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा डी यानी उपरोक्त सभी। 259 नंबर सवाल आता है, केवला देव घाना पक्षी विहार कहां पर, ये राजस्थान में, जगह है भरतपुर। सरिस्का कहां पर है, ये भी राजस्थान में है और जगह है आपका अलवर। दुदुआ नेशनल पार्क कहां पर, ये उत्तर प्रदेश में, जगह है लखीमपुर खीरी। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, ये कर्नाटक यानी मैसूर में है। भारत में किस पशु को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, बाली में आपको हाथ पता होना चाहिए, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया हुआ। और प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों संबंधित प्रोजेक्ट उनके संरक्षण के लिए शुरू किया गया भारत में 1991 में। अगले सवाल पर 266 पर आते, भारत में टाइगर्स को सेव करने के लिए जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में योजना शुरू हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1973 को शुरू। भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र था, मैंने बताया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जूनागढ़ के पास में, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जिम कहां पर है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, नैनीताल के पास में। अगला सवाल, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये बस्तर में यानी छत्तीसगढ़ के पास में, छत्तीसगढ़ में है। पेरियार ये केरला में है, जगह है कोटायम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब प्रारंभ हुआ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत हुई 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों को आपका संरक्षित करने के लिए एक्ट बना, देश की संसद ने इसको पारित किया और ये आया 1972 में। भारत पहला ऐसा दुनिया का देश है जिसने आपका इस तरीके का कोई कानून बनाया पर्यावरण संबंधित। वन संरक्षण अधिनियम का प्रारंभ कब से हुआ, वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। लाल आंकड़े जिसको आप रेड डेटा बुक कहते हो, ये जो पुस्तक है ये किस चीज को सूचीबद्ध करती है, तो आपको पता है ऐसे जीव जंतु जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर, जिनको हम संकटग्रस्त जंतु कहते हैं, तो संकटग्रस्त जो जीव जंतु है इनका आपका ये सर्वे करती है। तो 274 का जवाब हो जाएगा सी। और जो रेड डेटा बुक है जिसको 10CN कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल आता है, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई, सबसे पहली बार विश्व में पर्यावरण के ऊपर जो चिंता जताई गई उसके ऊपर जो एक सहमति बनी पर्यावरण को बचाने की, प्रदूषण को रोकने की, ये हुई है स्टॉकहोम में। और इसी वजह से इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, यानी जिसपे बहुत ढेर सारी चीजें आगे इससे निकल के आई हुई है। इसी तरीके से मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की रक्षा के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ सहमति बनी हुई थी, इनको लेके आगे बढ़ा गया। ब्राजील की, ब्राजील में हुआ रियो शिखर सम्मेलन, और ये पूछा जा रहा कब किया गया है, तो ब्राजील में होने वाला रियो शिखर सम्मेलन हुआ है आपका 1987, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने की पहल की गई थी सबसे पहली बार। विश्व पर्यावरण रक्षा के लिए जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ किस देश में हुआ, ऑलरेडी आपको जवाब बता चुका हूं डियर स्टूडेंट्स, रियो हुआ है ब्राजील में। और इसके बाद आता है क्यूटो शिखर वार्ता 1997 में कहां पर हुई, जापान में शहर है क्यूटो। 1997 में जापान के क्यूटो नामक जगह पर आपका सभी देश आए एक साथ और उन्होंने विश्व पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो प्रदूषण के आपका बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल में करने के लिए सहमति बनी। जो सबसे अंतिम कोई अगर आपका शिखर वार्ता हुई है वो आपका पेरिस हुई है, पेरिस जलवायु संधि जो 2017 में हुई, भारत ने उसमें साइन किए हुए
और इसी वजह से पेरिस जलवायु संधि जो कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधि है, इस पे भारत ने साइन करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया हुआ। कार्बन उत्सर्जन गैसेस के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है, नंबर एक पर अमेरिका है, नंबर दो पर चाइना है, नंबर तीन पर यूरोपियन यूनियन है। पूरा यूरोप अगर एक साथ मिला लिया जाए तो यूरोपियन यूनियन आपका तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर भारत आता है। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन को अलग अलग कर दिया जाए, कंट्री वाइज कंट्री अलग कर दिया जाए, तो भारत का स्थान तीसरा हो जाता है। भारत ने अपनी जिम्मेदारी उठाई और जिम्मेदारी को समझते हुए अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं पर अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने की अब जो शिखर वार्ता पर पहले उन्होंने समझौता किया हुआ था, हस्ताक्षर किए हुए थे, वो इससे पीछे हट गए हुए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 280 क्यूटो संधि कब आपका अस्तित्व में आई है? ये क्यूटो संधि जो जापान में है, क्यूटो ये आई 2005 में अस्तित्व में। इसमें जो विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देश खासतौर भारत और चीन जैसे देश, इनको काफी छूट मिली। इनको तुरंत का तुरंत सिर्फ सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नीचे नहीं लाना था, इनको कुछ समय दिया गया। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया? एनवायरमेंट शब्द एनवायरो से बना हुआ, और एनवायरो शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। डियर स्टूडेंट्स, एनवायरो शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, जबकि अगर पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की बात की जाए तो इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट शब्द एनवायरो से बना, ये फ्रेंच भाषा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। जबकि इकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द, जिसके हम चारों तरफ रह रहे। इस शब्द को जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हैकल, उन्होंने परिभाषित किया, और उन्होंने ग्रीक भाषा से दो शब्द लिए थे, ओनको और लोजी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है इकोलॉजी, जबकि एनवायरो शब्द लिया गया फ्रेंच भाषा से। 282 नंबर सवाल आता है, डावन मायर इन्होंने क्या बताया पर्यावरण का क्या शाब्दिक अर्थ है? इन्होंने बताया निकटवर्ती दशाओं से, जो आज के आसपास की कंडीशंस है उनका लेना देना है पर्यावरण से, तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है निकटवर्ती दशाओं से। प्राथमिक उपभोक्ता का इनमें उदाहरण कौन है? हिरण प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। सभी शाकाहारी जीव कैसे होते हैं? ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस पुस्तक को किसने लिखा हुआ? इसको लिखा हुआ चार्ल्स डार्विन ने। विश्व की सर्वाधिक शुद्ध पानी की झील, ये झील है डियर स्टूडेंट्स बैकॉल झील, रशिया में, रूस में, साइबेरिया वाला इलाके में। और डियर स्टूडेंट्स ये इतनी बड़ी शुद्ध पानी की झील है कि पूरे विश्व में जो सतह पर उपस्थित शुद्ध पानी है, मीठा पानी है, उसका अकेले लगभग एक चौथाई अकेले यहीं पर है। 22% शुद्ध पानी की कुल मात्रा का यहीं पर पाया जाता है बैकाले झील में, और ये सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील भी है शुद्ध पानी की। सर्वाधिक लवणता कहां पर पाई जाती, कौन से झील में? तो बैकॉल तो आपको मीठे पानी की झील है, वॉन झील है ये तुर्की में है, तुर्की में, और ये लवणता वाली सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल आता है 288, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो मनुष्य इस्तेमाल करता है लकड़ी, वो आपका ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का आपको कारण पता है, इसका कारण आपका वायु प्रदूषण का है धुआं। जबकि जो कीटाणु होते हैं बैक्टीरियाज, ये जल प्रदूषण का कारण होते हैं, कीटाणुनाशक। फिलहाल धुआं वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील, ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान में स्थित झील कौन सी है? सांभर झील है, ये राजस्थान में है, सबसे बड़ी आपका झील है भारत में खारे पानी के लिए। आगे आते स्थल मंडल, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? जो लिथोस्फीयर है ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29% है, यानी बचा हुआ 71%, दो तिहाई से ज्यादा भाग वो स्थल मंडल के बजाय जल मंडल कहलाता है। तो जल मंडल और स्थल मंडल डिवीजन अगर करेंगे तो जल मंडल है 71% जबकि स्थल मंडल है 29%। तो अगले सवाल पर आते हैं, प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपको देख के ही समझ में आ जा रहा है, जो रेल दुर्घटना है वो प्राकृतिक आपदा नहीं, भूकंप और बाढ़ प्योर तरीके से प्राकृतिक आपदा है, जबकि अग्निकांड जैसे जंगलों में आग लगना, वनों में आग लगना, ये भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन रेल दुर्घटना निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप की तीव्रता को किस पर नापते हैं? रिचर स्केल या रिक्टर स्केल पर नापते हैं। अगला 295वां नंबर सवाल है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यह आयोडीन का स्रोत। पर्यावरण में सम्मिलित है, पर्यावरण में जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों सम्मिलित हैं।
लाल पांडा कैसी प्रजाति है, ये खतरे में एक प्रजाति, अभी विलुप्त नहीं हुई, विलुप्त प्रायः है, अभी कुछ पाई जा रही है म्यांमार वगैरह के साइड में आपको मिल रहा है, तो खतरे में प्रजाति है और इसी वजह से ये इसको आपका IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी आपका रेड डेटा बुक ने इसको ले रखा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 48 का पर्यावरण संरक्षण संबंधित अनुच्छेद है। विश्व में सबसे पहला पर्यावरण संबंधी कानून बनाने वाला देश, ये भी हमारा देश भारत है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां पर है, ये केरला यानी कोयम्बटूर, सॉरी तमिलनाडु यानी कोयम्बटूर में है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र यहां पर कहां पर है, कोयम्बटूर में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारा आपका तीसरा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने 300 तक के क्वेश्चन कवर किए। अगले वीडियो लेक्चर में हम 301 से शुरुआत करेंगे और 400 तक क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा और अगले वाले वीडियो की प्रतीक्षा करिएगा।